हरे कृष्णा। देवशयनी एकादशी की कथा और उसका महत्व। भविष्योत्तर पुराण में शयन अर्थात पद्मा अर्थात देवशयनी एकादशी का महत्व श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवादों में विस्तृत रूप से कहा गया है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण को पूछा कि हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इस दिन के देवता कौन हैं, इस व्रत के पालन की विधि क्या है और इस बारे में विस्तार से आप कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे भूपाल, एक बार वाक्कुशल देवर्षि नारद ने ब्रह्मदेव को यही प्रश्न पूछा और उस पर ब्रह्मदेव ने उत्तर दिया कि इस संसार में एकादशी के व्रत के समान पुण्य प्रदान करने वाला कोई भी व्रत नहीं है। सभी पापों से मुक्त होने के लिए हरेक को इस व्रत का पालन करना चाहिए। जो इस व्रत का पालन करता है वह कभी भी नरक प्राप्त नहीं करता। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को शयन अथवा देवशयनी या पद्मा एकादशी कहते हैं। इस दिन की अधिष्ठाता भगवान ऋषिकेश हैं और इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए इस व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व समय में रघुवंश में जन्मे मांधाता नामक राजा पृथ्वीपति थे और सत्यवादी राजाओं के वह अग्रणी थे, साथ ही बहुत बलवान पराक्रमी थे और प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते थे। इस पुण्यवान राजा के राज्य में कभी बाढ़ सूखा नहीं था, साथ में कोई भी बीमारी नहीं थी। इससे सभी राजा प्रसन्नचित और सुखपूर्वक रहते थे। राजा के कोष में अन्याय से लिया हुआ थोड़ा भी धन नहीं था। इस प्रकार से राजा और प्रजा दोनों ही आनंद से दिन गुजार रहे थे। कुछ वर्षों पश्चात दैव से अथवा किसी पाप कर्म से 3 वर्षों तक लगातार वर्षा नहीं हुई। धान के अभाव में लोग भूखे मरने लगे, यज्ञ करना बंद हो गया। सभी दुख से व्याकुल होकर राजा से विनती करने लगे कि हे राजन, कृपया हमारी सुने। वेदों में जल को नर कहते हैं और अयन मतलब अधिष्ठान वास्तव्य, इसी से भगवान का एक नाम नारायण है जो हमेशा जल में वास्तव्य करता है। वह वर्षा का मूल कारण है। वर्षा से अनाज होता है और अन्न से सबका पोषण होता है। इसलिए हे राजन, आप कुछ उपाय करें जिससे सब जगह पुनः शांति और सुख की स्थापना हो जाए। तो राजा ने कहा कि आपने जो कहा है वह सत्य है। अन्नपूर्ण ब्रह्म है, सभी अन्न पर आश्रित हैं और वेदों और पुराणों में कहा गया है कि राजा ने किए हुए पाप के कारण यह परिस्थिति निर्माण होती है। पर मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है कि मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है उस जिससे यह परिस्थिति निर्माण हुई है। फिर भी अपने प्रजा के हित के लिए मैं प्रयास करूँगा। ऐसा कहकर अपने मुख्य अधिकारी और सैनिकों के साथ ब्राह्मणों को प्रणाम करके राजा ने वन में प्रवेश किया और वन में भ्रमण करते हुए उन्होंने अनेक आश्रमों को भेंट दी और एक दिन सौभाग्य से उन्हें अंगीरा मुनि मिले। अंगीरा मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे और बहुत तेजस्वी थे। जितेंद्रिय राजा मंदत ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि और कहा कि मुनि ऐसा आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात ऋषि ने राजा के आगमन हेतु विचारणा की, प्रजा के बारे में पूछा और राजा ने कहा कि हे भगवान, मैं धर्म निष्ठा से राज करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इससे मेरी प्रजा बहुत दुखी है। इसका कारण क्या है यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कृपया मेरे प्रजा में सुख समृद्धि किस प्रकार होगी आएगी और इस विषय में आप मुझे कहिए। तो अंगिरा मुनि कहने लगे कि हे राजन, वर्तमान युग सतयुग है। सभी युगों में ये सर्वश्रेष्ठ है, परंतु इस युग में केवल ब्राह्मणों को तपस्या करने का अधिकार है। परंतु तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, उसी की तपस्या से तुम्हारे राज्य पर यह परिस्थिति आई है। इसलिए तुम्हें उस शूद्र को मारकर प्रजा में सुख समृद्धि लानी चाहिए। तो राजा ने कहा, हे ऋषिवर, तपस्या में मग्न निष्पाप व्यक्ति को मारना तो असंभव है। कृपया आप मुझे अन्य सुलभ कोई उपाय बतलाइए। तो अंगिरा मुनि ने उत्तर दिया कि इस परिस्थिति में पवित्र पद्मा या देवशयनी अर्थात शयन एकादशी का पालन आपको तथा आपकी प्रजा को करना चाहिए। तो अंगिरा मुनि के वचन सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आए
और सभी ने आषाढ़ मास की एकादशी के व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में सब जगह वर्षा हुई। राज्य में सुख समृद्धि से सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। इस व्रत के पालन से भगवान ऋषिकेश प्रसन्न होते हैं और व्रत करने वाले के कथन अथवा श्रवण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को विष्णु शयनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैष्णव इस व्रत का पालन करते हैं, अन्य भौतिक भोगों के लिए नहीं, अपितु उनकी शुद्ध भक्ति की प्राप्ति के लिए वैष्णव प्रार्थना करते हैं। इस एकादशी से ही चतुर्मास व्रत प्रारंभ होता है। इसी दिन से भगवान शयन करते हैं। इस काल से उनके उठने तक 4 महीने उनके गुणों का श्रवण कीर्तन करके वैष्णव इस व्रत का पालन करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने फौरन श्री कृष्ण को पूछा कि भगवान किस प्रकार इस विष्णु शयन व्रत का अर्थात चातुर्मास का पालन करना चाहिए, कृपया इस बारे में आप कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है और उस समय अखिल ब्रह्मांड के पालक भगवान मधुसूदन शयन करते हैं, जिस समय सूर्य तुला राशि में प्रवेश करता है उस समय भगवान निद्रा से जाग जाते हैं। शयन एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ होता है। हे युधिष्ठिर महाराज, प्रातः उठकर स्नान के पश्चात भगवान विष्णु को पीतांबर पहनाना चाहिए और भगवान के लिए सफ़ेद चादर का बिछाना लगाना चाहिए। भगवान को पंचामृत का अभिषेक करके उन्हें पोंछकर चंदन का लेप लगाना चाहिए और धूप दीप फूल अर्पण करके उनकी पूजा करनी चाहिए और उन्हें सुलाना चाहिए। तो चतुर्मास का प्रारंभ हम एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी और अष्टमी या संक्रांति से कर सकते हैं। कार्तिक मास की द्वादशी को चातुर्मास व्रत का समाप्त होता है। जो व्यक्ति चातुर्मास व्रत धारण करता है वह भगवान का स्मरण करते हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमान में बैठकर भगवान के धाम जाता है। जो व्यक्ति चातुर्मास में भगवान के मंदिर की आगे के आंगन का मार्जन करता है, पेड़ और लताओं से सुशोभित करता है, उसे 7 जन्म आनंद की प्राप्ति होती है। साथ में भगवान को घी का दीपक अर्पण करने से व्यक्ति समृद्ध और भाग्यशाली बनता है। जो व्यक्ति मंदिर में प्रातः संध्या और दोपहर में गायत्री मंत्र का जप 108 बार करता है वह पापमय कार्य में रत नहीं होता। व्यासदेव उस व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति विद्वान ब्राह्मण को 28 अथवा 108 मिट्टी के बर्तन करके तिल दान करता है वह काया वाचा व मन से किए हुए सभी पापों से मुक्त होता है। तो भगवान जनार्दन जब तक निद्रा में रहते हैं उस समय तक व्रतधारी व्यक्ति को पलंग पर नहीं सोना चाहिए और 4 महीने और दिन में एक बार अन्न ग्रहण करना अथवा बिना परिश्रम जो कुछ भी प्राप्त हो उसे खाना या व्रत धारण करना चाहिए। चातुर्मास में जो कोई भी भगवान विष्णु के सामने गायन करता है उसे गंधर्व लोक की प्राप्ति होती है। जो गुड़ का त्याग करता है उसे पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है और तेल वर्ज करने से व्यक्ति रूपवान होता है। उसके सभी शत्रुओं का नाश होता है। जो व्यक्ति अपनी खुशी के लिए फूलों का उपयोग नहीं करता उसे विद्याधर लोक की प्राप्ति होती है। पान खाना वर्जित करने से व्यक्ति निरोगी होता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो दही दूध का त्याग करता है उसे गोलोक की प्राप्ति होती है। जो नाखून अथवा केश नहीं काटता उस व्यक्ति को भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करने का पुण्य मिलता है। जो भगवान के मंदिर की परिक्रमा करता है वह हंस विमान में सवार होकर भगवत धाम को जाता है। हरे कृष्णा।